दोस्तों, जब कोई इंसान अंतरिक्ष में जाता है तो ये एक बहुत ही गौरव की बात होती है, लेकिन इस सफर में शरीर पर कई बड़े असर पड़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक खास अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की, जिन्होंने अपना जीवन स्पेस साइंस को समर्पित किया है। एज यू नो, शी हैज बीन स्टक इन स्पेस फॉर सेवरल मंथ्स। हाल ही में सुनीता विलियम्स के शरीर में एक गंभीर बदलाव देखा गया। उनका अचानक से बहुत अधिक वजन घट गया। ये खबर जब नासा तक पहुंची तो सब हैरान रह गए। चलिए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी और समझते हैं कि अंतरिक्ष में लंबा समय बिताने से शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। कृपया अंत तक बने रहें, क्योंकि आगे बोनस जानकारी भी दी जाएगी। सुनीता विलियम्स, जो अपनी बहादुरी और योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं, अंतरिक्ष में अपने लंबे समय के बाद एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रही हैं। अंतरिक्ष में रहते हुए उनके शरीर में अचानक काफी वजन की कमी हो गई है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए चिंता का कारण बन गया है। नासा ने स्थिति को गंभीरता से लिया और तुरंत उनकी मदद करने का फैसला किया। नासा के मुख्य डॉक्टर ने कहा, जब मैंने सुनीता के वजन की कमी देखी तो मुझे एक झटका सा लगा। साइंटिस्ट ने तुरंत उनकी मेडिकल जांच शुरू की ताकि उनकी सेहत को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। अंतरिक्ष में होने वाली इस तरह की शारीरिक समस्याएं आम बात हैं। वहां की गुरुत्वाकर्षण रहित स्थिति के कारण शरीर के कई अंगों पर असर पड़ता है, जैसे कि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों की ताकत कम होने लगती है और कई बार शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। इन सभी चीजों का असर सुनीता विलियम्स के स्वास्थ्य पर भी पड़ा। नासा ने सुनीता के स्वास्थ्य को लेकर एक खास कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें उन्हें एक विशेष आहार और व्यायाम योजना दी गई है। इसमें खास तौर पर ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं जो वजन बढ़ाने और पोषण की कमी को पूरा करने में मदद कर सकें। इसके साथ ही उनकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कई तरह के व्यायाम भी शामिल किए गए हैं। अंतरिक्ष में रहने का असर शरीर पर कैसे होता है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष यात्री जब लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो उनके शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं, जैसे कि हड्डियों की कमजोरी, मांसपेशियों का कमजोर होना, दृष्टि में धुंधलापन और रक्त परिसंचरण में भी बदलाव आता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, जिससे मांसपेशियों और हड्डियों पर ज्यादा भार नहीं पड़ता। इसी कारण से जब अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर लौटते हैं तो उनके शरीर को फिर से अनुकूल होने में समय लगता है। इसीलिए नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की पूरी निगरानी रखता है और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करता है, जैसे कि इस बार सुनीता विलियम्स के साथ किया गया। सुनीता के इस अनुभव से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमारे शरीर के लिए सही पोषण और देखभाल कितनी महत्वपूर्ण है। नासा जैसे संस्थान भी हर संभव प्रयास करते हैं कि उनके यात्री स्वस्थ रहें और अंतरिक्ष से सुरक्षित वापस लौटें। तो दोस्तों, ये थी सुनीता विलियम्स के वजन घटने की कहानी और नासा की तत्परता से की गई मदद। ये घटना हमें याद दिलाती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन इंसान का शरीर प्राकृतिक सीमाओं का ही हिस्सा है। अब हम जानेंगे कि अंतरिक्ष यात्रियों को आमतौर पर अंतरिक्ष में क्या स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव महसूस होते हैं। मांसपेशियों की कमजोरी, मसल वीकनेस। गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि उन पर दबाव नहीं होता। 2, हड्डियों की घनत्व में कमी, डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी। हड्डियों का कैल्शियम धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं। 3, दृष्टि में बदलाव। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से आंखों में सूजन आ सकती है, जिससे दृष्टि में धुंधलापन आ सकता है। 4, रक्त परिसंचरण में बदलाव, चेंजेस इन ब्लड सर्कुलेशन। अंतरिक्ष में रक्त परिसंचरण में भी बदलाव आता है, जो शरीर पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। 5, नींद की कमी। अंतरिक्ष में समय के भ्रामक चक्र के कारण नींद के पैटर्न पर भी असर पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि सुनीता जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी और एक बार फिर से अपने साहसी सफर पर निकल सकेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग।